पहले मुझे आप एक जवाब सवाल का जवाब बताइए कि कोई शख्स कहे कि कोई पेड़ में पावर है कि उस पर तलवार लटकाएंगे तो तलवार में ऐसा पावर आएगा कि जीत लेंगे, तलवार यानी कि पेड़ पे लटकाने से तलवार में पावर आता है, अगर कोई किसी का अकीदा है तो ये अकीदा सही है गलत है? पेड़ के जैसे तलवार में मोड़ आता है ये गलत है। गलत शिर्क है कि नहीं है? कोई पेड़ में पावर है शिर्क पेड़ पे लटकाने से होता है कि नहीं शिर्क? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी हदीस आपके सामने, इसमें आपके सवाल का जवाब मौजूद है, आप जरा ध्यान से पढ़ो इस हदीस को। हदीस में आता है साहबी रसूल बताते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जब हुनैन की जंग के लिए जा रहे थे तो एक पेड़ दरमियान में गुजरा जिसका नाम था जात अनवात। अब इस पेड़ पर जो मुशरिकीन मक्का अपनी तलवारें लटकाते थे उनका यह अकीदा था कि ये पेड़ पे लटका दो तो जीतेंगे जीतेंगे। तो जब उस पेड़ के पास से गुजरे तो बाज लोग जो नए नए इस्लाम कबूल किए थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अल्लना ज़ात अनवात कमाल हम ज़ात अनवात ने फरमाया कि तुमने तो ऐसे कहा है जैसे मूसा से बनी इसराइल ने कहा कि हमारे लिए भी माबूद इज अल्लना इलाहन कमाल हम आलिहतुन, कि जैसा उनके पास माबूद है ऐसे हमारे लिए भी माबूद बना दो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह की करेक्ट किया, लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम सब काफिर हो गए, अब तुम्हें कलमा फिर से पढ़ना पड़ेगा, अब तुम्हारी जो निकाह टूट गए तुम्हें निकाह कराना होगा, तुमने बैत लिए थे मक्का में वो बैत फिर से लेना होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात और है, ये तो समझाया जा रहा है उनको, अगर वो फिर करते फिर ना। सिराज भाई बस मैं मुकम्मल कर लूं, एक मिनट और लूंगा फिर आपको मैं मौका देता हूं। हाँ, तो यहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुसलमानों में ही शुमार रखा लेकिन उनकी इस्लाह की। अब आज हमें ऐसे लोग दिखते हैं जो शिरकिया बात बोल रहे हैं, शिरकिया बात बोल रहे हैं, वो लोग शिरकिया काम कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि कलमा क्या है तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप आगे बढ़ के किसी दरगाह के बाहर भी खड़े होकर पूछो कि भाई जो ये दरगाह में है आप उनकी इबादत करते हो क्या, तो वो कहेंगे नहीं नहीं इबादत इनकी नहीं करते। इबादत किसकी करते हो? इबादत तो सिर्फ अल्लाह की करते हैं, लेकिन हकीकत में वो इबादत के अमाल अल्लाह के अलावा औरों के लिए कर रहे हैं। अब उनके कहने और करने में तजाद है, कह रहे कुछ कर रहे कुछ। अब ऐसा ही हुआ था यहां पर कि ये लोग थे जो मुसलमान थे ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे और शिर्किया बात बोल रहे हैं, कह रहे शिर्किया बात साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोल रहे हैं, तजाद है, कॉन्ट्रोडिक्शन है। तो क्या चीज पे जाएंगे, कहने पे जाएंगे करने पे जाएंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम को बरकरार रखते हुए उन्हें मुसलमानों में शुमार रखा और उनकी इस्लाह की। यही सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आज जब हमारे भाई कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, किबला रुख है, सेम किबला है हमारा, सेम कुरान है, सेम नबी को मानते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं, और जब उनसे पूछते हैं कि क्या तुम उनकी इबादत करते हो, कहते नहीं कर रहे लेकिन हकीकत में कर रहे हैं।